तो ये पाकिस्तान की मेन बॉलिंग जिनको देख के पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कहते हैं ओ मजा आ जाएगा वर्ल्ड कप में, देखेंगे देखेंगे ये सूर्या कुमार यादव कैसे हमारे बॉलर्स को मारेगा, पता चल जाएगा कैसे रन आते हैं। तो वो तो जब मारेगा तो मारेगा, फिलहाल तो आयरलैंड वाले मार रहे हैं। यार जलील करा के रखा हुआ है पाकिस्तान की टीम ने, ये क्या किया है लोगों ने? ये पाकिस्तान की टीम है, ये तो खुसरो की टीम है। मैं आज सबसे पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं पाकिस्तान से, जो बाबरी, बाबर आजम, फलाना ढिंकाना, किंग, वन एंड ओनली, इसका बाप जो रोने धोने आ जाता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करेगा तो अल्लाह सिर्फ तेरे लिए करेगा, अल्लाह सिर्फ तेरा। अगर तूने स्ट्रगल की, मोटरसाइकिल पे अपना बेटा लाया तो सारी दुनिया लाती रही है। इंडिया को हमने क्या कम्पीट करना है, हम तो आयरलैंड को कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये सोच रही है नेपाल हमारे गल पड़ जाएगा। नेपाल क्या, मैं तो ये हैरान हूँ कि यूएसए ना कहीं हमें चेप दे। देखा होगा मैच आपने कल, क्या कमाल का मैच था भाई। आयरलैंड ने पाकिस्तान को प्लेन कर दिया, लिटा दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी कह रहा था 100% जीतेंगे इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में। जीत लेना भाई, किसने मना किया, पहले आयरलैंड से तो निबट लो। बाल बर्नी ने रेल बना दी, किस किस को चौका नहीं मारा उसने, अफरीदी, इमाद, वसीम, किसी को नहीं छोड़ा। और कोई छोटी जीत नहीं जीता है आयरलैंड, बड़ी जीत 5 विकेट से जीता है। डिफेंड नहीं कर पाया 182 भी पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ, और इतनी बड़ी बड़ी बातें। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या हलचल है। 182 भी डिफेंड नहीं हुआ और ये उतना ही टोटल है जितना बाबर आजम ने टॉस पे बोला था कि वी आर लुकिंग टू स्कोर 180। दो रन ऊपर किए थे, 180 का इन्होंने सोचा था जी 180 हम करेंगे, तो दो रन ऊपर भी आए और फिर भी डिफेंड नहीं हुए। और अगेंस्ट द लाइक ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, शादाब, जिसको बैटिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ, बैटिंग, बॉलिंग में बेड़ा गर्क, 54 रन दिए 4 ओवरों में, 54 रन इन 4 ओवर्स। तो ये पाकिस्तान की मेन बॉलिंग, इमाद इज देयर, शदाब इज देयर, नसीम इज देयर, शाहीन शाह इज देयर, जिनको देख के पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कहते हैं ओ मजा आ जाएगा वर्ल्ड कप में, देखेंगे देखेंगे ये सूर्या कुमार यादव कैसे हमारे बॉलर्स को मारेगा, पता चल जाएगा कैसे रन आते हैं। तो वो तो जब मारेगा तो मारेगा, फिलहाल तो आयरलैंड वाले मार रहे हैं, फिलहाल तो न्यूजीलैंड वाले मार रहे हैं, वो भी बच्चे उनके, न्यूजीलैंड के बच्चों से घर में। सीरीज हारते हारते 4 मैचेस जो हुए तो 2 हार गए, तीसरा भी हारते हारते बचे थे, जाके तब जाके बराबर हुई न्यूजीलैंड के बच्चों से। उसमें वर्ल्ड कप के उनके सिर्फ 2-3 गए हैं। आज यहाँ पे सुबह क्या क्या के गला खुश हो गया मेरा के भाई साहब, इनको जो आसान लोगे तो फिर वो तुम्हारा जीना अजाब कर देंगे। आई गेव यू एग्जाम्पल कि इंडिया ने 220 किया एक मैच में, ये सिर्फ 2-4 रन से वो मैच हारे, पिछले साल 6-8 महीने की बात पहले है, पिछले साल जब इंडिया गया था तो एक अगर वहां पे छक्का लगता तो ये वो मैच जीत जाते 220, तो ये तो 160, 170, 180, आज 182 इस ग्राउंड में हाईएस्ट एवर चेस कर दिया उन्होंने, तीसरा चौथा यहां पे T20 टोटल है। तो ये है जनाब बेस्ट बॉलिंग, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, शाहीन शाह अफरीदी उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, नसीम शाह, ओहो, क्या ही बात है, नेक्स्ट लेवल, लाजवाब। तो एक मसला नहीं है पाकिस्तान की टीम, 1000 मसले। पावर प्ले भी आपने देख लिया, बाद में भी देख लिया, करते कराते 182-182 गिरते पड़ते मरते, इफ्तिखार कुछ अच्छा खेल गया, टोटल 182-182 ठीक ही हो गया। लेकिन आपकी बॉलिंग 182-182 आयरलैंड के खिलाफ नहीं डिफेंड कर सकती, बाकी क्या करेगी भाई, बाकी आपकी बॉलिंग ने क्या करना है। दूसरा मैच भी चल रहा है, वो भी साथ साथ, वो भी खैर 21 गेंदों पर 100+ की मिचेल और मोइन की दोनों आउट हुए, दोनों ठीक कह रहे हैं, दुबे और जडेजा मार रहे हैं, को मारे गया मैच आज, बहुत मुश्किल। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, मेहरबान देखते देखते। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो मोहसिन नकवी साहब को, जो टास्क नजम सेठी और जो ये क्या ये सका अशरफ ने मिशन इनकम्प्लीट छोड़ा था,
बेगैरती बेशर्मी बेहयाई का, वो मोहसिन नकवी ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा कराया। जो हमारी क्रिकेट लाहौर और पिंडी में दफन हुई थी वो आज माशाल्लाह डबलिन में उस पे छोले जो है वो आयरलैंड वालों ने बेलब्रिन इनसे बेलब्रिन। और देखे उस वक्त ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कुछ गधे के बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पीएसएल की हो रही थी, जब शदाब ने कहा मोहसिन भाई आज हम जीते हैं गुस्से वाला सवाल नहीं करना, तो उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट जो कुत्ते की तरह एक आध टिकट और एक आध तस्वीर पे बेगारत बिकते हैं, सिर्फ मैंने यूं मुड़ के देखा था तो उनकी गिगी बंद हो गई थी, तो रिजवान हैदर उस वक्त हंस रहे थे कि मोहसिन अली ने क्यों कहा कि आप बॉलिंग जो है आप करें आपकी बॉलिंग का, तो आज आपको नजर आया 54 रन आपका प्रीमियर स्पिनर जिसका नाम है शदाब खान 54 रन। मैं आप सबसे पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं पाकिस्तान से, जो बाबरी बाबर आजम फलाना ढिंकाना किंग वन एंड ओनली इसका बाप जो रोने धोने आ जाता है ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करेगा तो अल्लाह सिर्फ तेरे लिए करेगा, अल्लाह सिर्फ तेरा। अगर तूने स्ट्रगल की मोटरसाइकिल पे अपना बेटा लाया तो सारी दुनिया लाती रही है, कई पैदल भी कई किलोमीटर लाते रहे हैं, कईयों ने चार वक्त रोटी नहीं खाई होगी एक एक हफ्ते में और उन्होंने अपनी औलाद और तूने कोई नया काम किया, ये क्या पाकिस्तान जो है तुम्हारे बाप का साले गटर के बच्चों, तुम्हारे लिए हम जो है सिर्फ बैठ के दुआएं करते रहे और तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल, बहुत मेरा बेटा बहुत तकलीफ, अबे सबके बेटे तकलीफ में होते हैं, अबे साले ये सैम अयूब जो है ये अगले मैच में बॉलिंग गिराएगा, वो इफ्तिखार जब तेरे फुफड़ को मार पड़ रही थी उस शदाब को तो तूने क्यों नहीं इफ्तिखार, जब इमाद ने इतने अच्छे चार ओवर कर लिए तूने सैम को क्यों नहीं बॉलिंग दी, अबे नामाकुल गधे तुझे किस गधे के बच्चे ने तुम लोगों को यहां बिठाया, अबे नामाकुल अभी मेरा बस नहीं चल रहा मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दे 37 रन शाहीन 36 रन एक बॉल कम अब्बास अफरीदी 54 रन आपका प्रीमियर स्पिनर दे रहा है, प्रीमियर स्पिनर जिसको 23 रन एक ओवर में पड़ रहा है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप, ये आपकी तैयारियां साले गटरो, कभी वहां आर्मी के कैंप में क्या कुछ और करवाने गए थे वहां, ये मोटे पैसे तुमने पाले हुए हैं और वो देखें £2000 का इन्होंने मीडिया मैनेजर भेजा हुआ है जो कहता है मैं मोहसिन नकवी का जो हूं कॉलेज में, तू यार दोस्तियां निभाने आया है, हमारी क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया हुआ इन्होंने यार, हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है, हम भाई इंटरनेशनल 9 जून को इंडिया के साथ मुकाबला करने जा रहे थे, हम तो न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, न्यूजीलैंड के पास हम आयरलैंड के साथ हार रहे हैं, हमारी ये औकात रहेगी पाकिस्तान की, हम इंडिया हमारा मजाक बना रहे हैं, हमारा इंटरनेशनल हमारे सारी दुनिया हमारा मजाक रहे, हर मीडिया हमारा जो है वो मजाक बना रहे हैं, हमारी औकात क्या रह गई है, हमारी दुनिया के अंदर कोई औकात नहीं, हम तो अफगानिस्तान से नीचे चले गए हैं, अफगानिस्तान हमारे से भाई जमीन आसमान का फर्क डाल गई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम 9 जून को मुकाबला करेंगे, 9 जून को बाबा जी का टुल्लू मुकाबला करेंगे हम, विराट कोहली ने जितनी 50s की हैं उसमें इंडिया की विन परसेंटेज क्या है और बाबर आजम ने जितनी 50s की हैं उसमें पाकिस्तान की विन परसेंटेज क्या है, तो आपको सारे स्टैट सामने आ जाएंगे। सर पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग हर चीज एक्सपोज हुई है आयरलैंड के हाथों, क्या ये टीम को हम वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? यार जलील करा के रखा हुआ है पाकिस्तान की टीम ने, ये क्या किया है लोगों ने आयरलैंड के खिलाफ, यार इतनी बकवास इन लोगों ने बैटिंग किया बॉलिंग किया, अपनी चाय जाया कर दी है यार, चाय जाए बाहर में जाइए यार चाय, ये क्या पाकिस्तान की टीम ने की है, इतना गुस्सा है आपको? और यार गुस्सा क्या, हमारे टैक्स से इन लोगों ने तनख्वाह ली हुई है, इसके ऊपर जाके आयरलैंड के खिलाफ इस तरह बुरे तरीके से हारना, मतलब क्या आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा आयरलैंड? ये पाकिस्तान की टीम है, ये तो खुसरो की टीम है, मैं कहता हूँ इनको। यार कोई बात नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, एक मैच हार गए ना, बाबर आजम ने विराट कोहली की 50s का रिकॉर्ड बराबर किया है, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका स्ट्राइक रेट जो था वो 110 था, कोई बड़ी बात है यार, नंबर वन बैट्समैन है हमारा, पाकिस्तान का आइकॉन है, फिर क्या हुआ एक और मैच हार गए, तो मतलब सियासत से कप्तानी लेके आ गया, हम हार गए आयरलैंड के अंदर जाके हार गए, न्यूजीलैंड की सी टीम से यहाँ पे हार गए, कोई मैटर नहीं करता, रिकॉर्ड बन रहे हैं ना, मतलब एटलीस्ट यार हमने साइम को ओपन खिला लिया, कितना बड़ा नहीं कितना बड़ा प्लेयर है यार वो, ठीक है आप ये भी तो देखे ना, इतनी मतलब एक छोटी सी हमारी पार्टनरशिप थी, मतलब जो रिजवान और बाबर के दरमियान हुआ करती थी, मतलब हम 0 के ऊपर 200 भी चेज कर जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है एटलीस्ट यार हमने साइम को खिलाना था, हमारे एक्सपेरिमेंट तो हो रहे हैं ना, हमारी बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है ना, अहमद शहजाद ने आज यार बहुत प्यारी बात की है, वो कहता है यार आप बेंच स्ट्रेंथ तो खिला रहे हो, आप स्ट्रेंथ खिला के देख लो, हो सकता है आप जीत जाओ। हाँ एक काम ऐसा हुआ है जो अक्सर होता है, बाबर आजम की
हाफ सेंचुरी आ गई। बाबर ने जो करना था, अपने रिकॉर्ड में इजाफा करना था आयरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये खुद कहते हैं, और कोई नहीं कहता कि वो छोटी टीम है। पाकिस्तानी मीडिया ही, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस में ही हम ज़्यादा सुनते हैं कि छोटी टीम, सी टीम, डी टीम। तो इस छोटी सी टीम, डी टीम के खिलाफ बाबर ने अपना कमाल धमाल दिखा दिया। बाकी कौन करेगा भाई, किधर गई पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर वन गेंदबाजी? आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।